अभी मुजफ्फरपुर बालिका गृह और पटना के आसरा होम का मामला शांत भी नहीं हुआ कि बिहार के बोधगया से बच्चों के यौन शोषण का एक और मामला सामने आया। यहाँ मस्तपुरा इलाके में प्रजना ज्योति बुद्धिस्ट नोवेस स्कूल एंड मेडिटेशन सेंटर के संचालक भंते सुजॉय उर्फ संगप्रिय भंते पर बच्चों के साथ अप्राकृतिक यौनाचार का आरोप लगा। मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने आरोपी भंते को गिरफ्तार किया। पीड़ित बच्चे यहाँ बौद्ध धर्म का प्रशिक्षण लेने आते हैं। नहीं, बच्चे ये स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि क्या गलत कर रहे हैं, लेकिन वो आप उनके भाषा से आप ये समझ सकते हैं कि किसी भी तरह का उनके साथ दुर्व्यवहार हो सकता है। प्रथम दृष्टि में क्या मॉडिशन का बनता है? नहीं, अभी तो इसकी हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं, बयान ले रहे हैं, गार्जियंस का भी अभी सब नहीं बात हुई है। दो तीन गार्जियंस आए हैं, उनके हम लोग बयान ले रहे हैं। उसके बाद पूरा तहकीकात करने के बाद जो फैक्ट्स आएगा उस आधार पर कार्रवाई होगी। सभी बच्चे आसाम के हैं। मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब एक बच्चे ने अपने घर वालों के सामने अपना दर्द बांटा। इसके बाद आनंद फानंद में बोधगया पहुंचे परिजनों ने जब सेंटर के संचालक से मामले की जानकारी लेनी चाही, आरोपी भिक्षु ने सभी 15 पीड़ित बच्चों को संस्था से बाहर निकाल दिया। बौद्ध भिक्षु की क्रूरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि संस्था से निकालते वक्त बच्चों को कपड़े भी नहीं दिए गए। किसी प्रकार बच्चों के परिजन सभी बच्चों को लेकर गया के विष्णुपद थाना क्षेत्र के असम भवन पहुंचे और पुलिस को इसकी जानकारी दी। इस घटना ने एक बार फिर हमारे सामाजिक ताने बाने और धार्मिक संस्थाओं की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीएन।